वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन सात में से किसको आप ओन करते हैं और किस किस को डिस ओन करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को जो भी समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान समर्थन किया था, मुझे लगता है ये उनके यहाँ के अपने अंदर के जो परेशानियाँ हैं उसकी वजह से, प्रत्याशियों का चयन वहाँ ठीक नहीं था, या उनका अंतर्मन ठीक नहीं था, या उनका नेतृत्व से मतभेद था, या वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सही चुनाव करना चाहते थे। ये कुल और कुल विधायकों का अपना मसला था कि उन्होंने किस वजह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ये जरूर है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में कार्य कर रही है, लगातार भारत को आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने लिया है, उससे बहुत से बड़ा वर्ग प्रभावित है। मुझे लगता है कि ऐसे तमाम सारे विधायक तमाम पार्टियों में देश भर में है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दूसरी पार्टी में रहते हुए भी उचित समझते हैं और मौके बेमौके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं। मनोज पांडे ने तो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी होम मिनिस्टर के सामने बाकायदा मंच लगाकर, उसके बावजूद आप उन्हें ओन नहीं कर रहे हैं, डिसओन कर रहे हैं, इसका कारण? नहीं, मैं किसी को ओन और डिसओन करने की बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि जो लोगों ने भी मतदान किया और जिस उस समय जिस पार्टी में थे, उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज, वहां के अंतर विरोध, नेतृत्व से नाराजगी होने के बाद और सही प्रत्याशियों के चयन में उनका मन होना, जो वो मैं उन्होंने उस राज्यसभा की कारण चर्चा तमाम ही नहीं निर्णय कर रहा। लिए अरे और रिसेंटली वो निर्णय लोकसभा के लेने। चुनाव में मनोज पांडे अमित शाह के मंच पर मौजूद थे, रैली करवाई, ज्वाइन किए हैं, अब आप उन्हें स्वीकार ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं जो देखे जो पार्टी में रहा, जो मंच पर आ गया, उससे क्या बुराई है? जिसने ज्वाइन कर लिया उस पर चर्चा ही होना बंद हो गई। तो सर जिसने ज्वाइन दल कर बदल लिया विरोधी भारतीय कानून जनता तो पार्टी वो लगेगा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। तो मनोज पांडे को इस्तीफा क्यों नहीं हुआ सर? ये तो मतलब देखिए, दल गैरकानूनी बदल काम विरोधी है। कानून नहीं, तो वो मनोज पांडे से पूछिए कि अगर उन पर दल बदल विरोधी कानून लगेगा, उनके खिलाफ अप्लीकेशन होगी, तो हर विधायक के ऊपर उस नियम से कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दायरे में यदि आएंगे वो खुद ही इस्तीफा देंगे, नहीं तो सदस्यता चली जाएगी। जो नियम उस नियमावली के तहत आते हैं उसके तहत सभी पे कार्रवाई होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नियमों को नहीं बदल सकते। तो अगर इनके खिलाफ याचिका आती है और ये सातों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है, तो बीजेपी इनका कुछ बचाव करेगी या फिर इनको लावारिस छोड़ देगी? देखिए, मुझे लगता है कि आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ है। राजनीति किंतु परंतु का खेल है, पर मुझे लगता है कि तमाम चीजें निर्णयों के बाद आने पे समय पे डिसाइड होती हैं। तो पहले ऐसे निर्णय आएंगे और निर्णयों के बीच से ही उनकी रास्ता निकलेगी। पर ये सातों तो आपके लिए लाइबिलिटी साबित हुए, कितनी बुरी तरह से हार हुई, तो फिर ये बोझा लेके आप क्यों दौड़ेंगे 3 साल? देखिए ब्रजेश जी, ये बात आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है मीडिया के हर उसमें, डिजिटल हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, छपा है कि जिन 7 विधायकों ने वोट किया था उस लोकसभा, जिस लोकसभा से वो आते थे, वहां भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है। ये बात बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, मैं इससे मानता हूं कि ये बात सत्य है लिखा पढ़त के तौर से, पर ऐसा है कि हमारे तमाम जो वर्तमान विधायक हैं उनकी लोकसभा में हार के कारणों की समीक्षा होगी, आत्मलोकन, आत्मचिंतन होगा, क्या महत्वपूर्ण कारण रहे किस लोकसभा में, किसके आने, किसके जाने, किसके ना काम करने से, इसकी समीक्षा हो रही। और मुझे लगता है वो चीजें जब सामने आएंगी तो बेहतर डिस्कशन हो सकेगा। पर आप लाइबिलिटी लेकर क्यों जाना चाहेंगे जनता के बीच? मेरे ख्याल से आप भी नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, लायबिलिटी कोई भी नहीं, जनता जनार्दन है, और जिस चेहरे के बारे में बेहतर फीडबैक आएगा उस चेहरे को चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी चेहरे के बारे में लायबिलिटी और असेट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि लायबिलिटी नहीं होता और असेट भी नहीं होता। ये एक व्यक्ति है जो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के हितों के लिए कार्य करता है। इस राउंड का आखिरी एक सवाल है, आपने कहा कि अगर फीडबैक अच्छा रहा तो चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो क्या इन सातों को आपकी पार्टी टिकट दे सकती है या विचार कर सकती है? देखिए ब्रजेश जी, फिर वही किंतु परंतु है,
यदि ऐसा हुआ कि चुनाव उपचुनाव की घोषणा हुई और वहां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना है ही है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जिसमें अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करे, तो वो चयन करने का निर्णय हमारे हाईकमान का है। नीचे से फीडबैक जाएगा, प्रदेश स्तर से जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो कमेटी है वो निर्णय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है और किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। ये निर्णय अभी बहुत दूर है भाई। जिसने आपके लिए कुर्बानी दी, अपनी गला कटवा लिया, सब किया, आप उसकी शहादत को भी स्वीकार नहीं रहे हो, कम से कम ये तो कह दो कि हाँ विचार करेंगे टिकट पे। उस जो शहीद हो गया, आप कह रहे हो तुम्हें तो मलेरिया हुआ। देखिए, मैं मेरे 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 ये कह देने से कि विचार करेंगे, मुझे लगता है जो जनप्रतिनिधि है चुन के आता है उसे बेहतरीन सिस्टम पता है, और भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम, चाहे पार्टी में विधायक बाहर से आए और चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, बेहतर जानता है कि टिकट देने और लेने की प्रक्रिया क्या है। सबको उसी से होके गुजरना पड़ेगा। ऑल राइट, शुक्रिया। काफी टाइट लिप्ड हैं आज हीरो वाजपेयी, इसलिए बड़ा संभल संभल के बोल रहे हैं। खैर, हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कर्नल शरद शरण सिंह